हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरसात किचन। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे। इसे मैंने दो स्टेप में बनाया है। पहले हम गोलगप्पे बनाएंगे, उसके बाद उसका पानी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने लिए है एक कटोरी सूजी, आधा कटोरी मैदा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच नमक, तेल गोलगप्पे फ्राई करने के लिए और डो में डालने के लिए। गोलगप्पे के पानी बनाने के लिए मैंने लिया है धनिया और पुदीने का पेस्ट, एक चम्मच नमक लिया है काला, लाल मिर्च, सफेद नमक, भुना हुआ जीरा, एक नींबू, बूंदी, इमली का पल्प, थोड़ी सी हींग ली है। गोलगप्पे की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिए है चार आलू, कटा हुआ हरा धनिया, एक हरी मिर्च। पहले हम सूजी को इसमें डाल देंगे बर्तन में, मैदा को भी डाल लेंगे, बेकिंग पाउडर भी, नमक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें अब दो चम्मच तेल डालेंगे, मिक्स करके पानी से इसको डो बना लेंगे। गोलगप्पे का आटा हमारा तैयार है, अब हम गोलगप्पे बनाते हैं। तो हम गोलगप्पे के लिए छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। इसको हम लंबे आकार में बेलें। गोलगप्पे हमारे बेल चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और गोलगप्पे एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। इसको हल्का सा पुश करेंगे। देखिए गोलगप्पे हमारे कितने अच्छे से फूल चुके हैं। गोलगप्पे हमारे सिक चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे गोलगप्पे को फ्राई कर लेंगे। इसका पानी और स्टफिंग तैयार करेंगे। अब हम गोलगप्पे का पानी तैयार करते हैं। हमने 3 ग्लास करीब पानी लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पुदीने का पेस्ट डालते हैं, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच सफेद नमक, 3 चम्मच इसमें हम इमली का पेस्ट डालेंगे, बूंदी भी डाल देंगे, भुना हुआ जीरा। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नींबू भी डाल देंगे, थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं। गोलगप्पे हमारे तैयार है, पानी भी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।